चला जीटीवी न्यूज। अब्बा जान वाले बयान पर बोले योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ, अब्बा जान से अखिलेश यादव को दिक्कत है। अब्बा जान अच्छा शब्द और रहना चाहिए, जिनको नहीं मानना वही डैडी रखे, लेकिन अब्बा जान को हम मानते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ओवैसी सोचते हैं हैदराबाद में कोई न टिके, लेकिन हम यूपी में उनका स्वागत करते हैं। वह यहाँ लड़े और हारे भी ओवैसी जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आप मुस्लिम समाज को भड़काते हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में ओवैसी जी अपना फायदा देखते हैं। ओवैसी जी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता को सुलगाने का काम करते हैं। भारतीयों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के चाचा जान वाले बयान पर बोले कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ धरने पर बैठे चाचा जान को बताना चाहिए कि भतीजा जान की तकलीफ क्या है और क्यों परेशान है। इसी बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। अब्बाजान का सारा बजट खुर्जा में हमारा ओडी ओपी में आपने चिन्हित किया है पोल्ट्री को, तो पोल्ट्री उद्यमियों की ये परेशानी ये है कि जीएसटी पे वो कमी की मांग कर रहे हैं, एक दूसरा उनका ये जो सीएनजी मिल रही है वो उनको महंगी मिल रही है। देखिए दो चीजें, जो जीएसटी है वो उत्तर प्रदेश सरकार नहीं तय करती है, वो जीएसटी काउंसिल करता है। तो काउंसिल में उनके जो विचार थे वो हम लोग ने रखे हैं, वो सभी लोग मिलके तय करते हैं और उसमें जो भी तय हो जाता है तो उसके हिसाब से ही हम लोग को सबको चलना पड़ता है। मगर जो सीएनजी है वो सीएनजी जो है उससे उन लोगों को बहुत और भी लाभ है, क्योंकि प्रदूषण जो है वो जब नहीं होता तो पोल्ट्री का जो कार्य है वो निर्यात में बहुत काम आता है, और चाइना और ताइवान से जो माल आ रहा था विदेशों में और जगह में उस पे आज वो कंपीट भी कर पा रहे हैं। सर चाचा जान पे तो आपने बोल दिया, यार विकास की बात कर लो तो मतलब चाचा जान पर क्या क्या चीज है? चाचा जान पे तो आपने सफाई अपने मतलब बात रख दी, अब्बा जान को रख दीजिए। अब्बा जान पे क्या है, जिनको अब्बा जान कहने में तकलीफ हो रही है वो अखिलेश यादव जी हैं, हमें तो नहीं तकलीफ। उर्दू का शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है, तो अब्बा जान बहुत अच्छा शब्द है और रहना चाहिए। और उनको लगता है कि अंग्रेजी के शब्द डैडी उडी ज्यादा अच्छा है तो वो अंग्रेजी रखे, मैं उर्दू बहुत अच्छा शब्द है उसको हम लोग मानते हैं। प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री ने ये स्लोगन दिया था कि जय जवान जय किसान, आप ही के परिवार से वो निकला है, आज जवान भी परेशान है और किसान भी परेशान है। मुझे तो नहीं दिखता कि जवान परेशान है और किसान परेशान है, और विपक्ष जरूर परेशान है, और विपक्ष की परेशानी ये है कि जवान भी खुश है और किसान भी खुश है। उत्तर प्रदेश का जो किसान है, जो ऋण उनका इकट्ठा होता जा रहा था सपा की सरकार में 36,000 करोड़, वो हमने एक पहली कैबिनेट में माफ़ कर दिया। जो गन्ना किसान है उनको 1,44,000 करोड़ दे दिया, जिसमें सपा के 12,500 करोड़ थे जो बकाया उन्होंने नहीं दिया था। किसान खुश है यहाँ का, क्योंकि हम लोगों ने जिस 119 जो शुगर मिल बंद करी हुई थी सपा और बसपा के टाइम के, वो खोल दी हम लोगों ने और उनको चला दिया। और साथ ही साथ जो MSP पे जो खरीद होती है, जो बसपा और सपा के टाइम का दोनों का मिला के जो MSP पे खरीद हुई है, उससे ज़्यादा खरीद हमने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कर दी। जो जवान है उसको सम्मान मिलता है, जवान आज खुश है कि उसको वो आधुनिक हथियार अब उसको विदेश से नहीं आना पड़ता, अब वो मोदी जी उसको देश में बनवा रहे हैं। तो विपक्ष जरूर नाराज है और दुखी है और नाखुश है उनके कारण, क्योंकि वो सत्ता उनके हाथ से मलाई चलेगी, उनको मलाई लगती है सत्ता, हमें सत्ता सेवा लगती है। विधानसभा चुनाव अभी नज़दीक है तो ओवैसी जी आए हुए हैं हैदराबाद से, क्या ओवैसी जी विधानसभा चुनाव की बात भी टिक पाएंगे उत्तर प्रदेश में या उनको हैदराबाद में भेजेंगे? अब वो तो उनकी मर्जी है, टिकना तो लोकतंत्र है, कहीं वो सोचते हैं हैदराबाद में कोई न टिके, मगर हम लोग हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जो आएगा उसका स्वागत करेंगे। चुनाव भी लड़िए, चुनाव में आप हारिए भी, उसके बाद भी हम दुश्मन तो नहीं बोलते किसी को, मगर आपकी नीतियों के हम दुश्मन जरूर हैं, क्योंकि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप मुस्लिम समाज को भड़काते हैं। हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो उसी में आप अपनी सत्ता या आप अपनी राजनीतिक फायदा देखते हैं, वही ओवैसी की काम कर रहे हैं। सांप्रदायिकता को वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सुलगाने का काम कर रहे हैं। अब्बा जान और चाचा जान की राजनीति आ गई है विकास को छोड़कर, जो
जिनको चाचा जान जिन्होंने बोला है वो भतीजे जान को बताना चाहिए कि उनकी तकलीफ क्या है, और धरने पे बैठ के आप भतीजा जान क्यों परेशान हो रहे हैं चाचा जान से, वो उनको ही देना चाहिए। अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान।